गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और कल रात 1 बजे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है ना, उसकी ना तो उम्मीद थी, ना कुछ था, ना इंतजार था, ना कुछ भी था। वो चीज रात को 1 बजे हुई थी और सुबह उठते ही मेरा इतना दिमाग खराब है ना, मन तो कर रहा था कि सुबह हो ही ना। अब बाकी की बातें मैं आपसे बाद में करूंगा, पहले आप थोड़ी सी वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत तो आप समझ ही जाएंगे कि रात क्या हुआ था। लिवो चलो अंदर। ठीक है जी, ठीक है। ये चार अपने भाई लोग पंजाब से कल रात आए थे और इन्होंने पापा जी से तय करी थी ब्राउन कलर की फीमेल, इतनी दूर से ये उसी को लेने आए थे। अब ये घर पर आए, फीमेल इन्होंने देखी, फीमेल इन्हें पसंद आई तो ये सोचने लगे, बात करने लगे उसके बारे में। डील फाइनल होने ही वाली थी, एकदम से लीवो छत पे से भौंक पड़ा। इन्होंने लीवो की आवाज सुन ली। लीवो को आप पहचानते हैं ना, डीवन का बेटा, उसका नाम लीवो है। ये बात वैसे मुझे परसों ही पता लगी है। उसके बाद इन्होंने लीवो की आवाज सुनी तो इन्होंने बोला कि ये कौन सा डॉग है। तो पापा जी ने बताया कि ये तो बड़ा डॉग है और ये सेल के लिए है नहीं वैसे, तो उन्होंने फिर भी बोला कि एक बार दिखा दो लाके कैसा डॉग है। मैं लीवो को नीचे लेकर गया, इन्होंने लीवो को देखा और हुआ ऐसा कि जो फीमेल को लेने आए थे ना, उस फीमेल को तो कर दिया इन्होंने कैंसिल और बोलने लगे कि हम मेहनत करेंगे इसे बड़ा करने में, पालने में, क्यों ना हम पला पलाया एक बड़ा ही कुत्ता ले ले। मैं एकदम से समझ गया कि, और डरने भी लग गया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। लीवो इन्हें इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया, इन्होंने परसों वाली वीडियो भी देख ली, ट्रेजर हंट वाली वीडियो बनाई थी ना मैंने लीवो के ऊपर। लीवो बॉल को सर्च कर रहा था, जहां भी छुपाते थे वहां से निकाल कर आता था, तो वो वाली वीडियो इन्होंने देख ली। और भाई उसके बाद तो लीवो को इन्होंने अपने पास से इन्होंने छोड़ा ही नहीं, लीवो को तो लेकर ही जाएंगे। भाई फिर पापा क्या बोलते, पापा ने बोल दिया ठीक है ले जाओ। मैं भी क्या बोलता पापा के सामने, मैंने बोल दिया कि दे दो। हुआ यही कि ये लीवो को ले गए हैं अपने साथ और हमारा लीवो अब हमारे बीच नहीं है, किसी और के बीच है। उससे अभी तो मेरी दोस्ती बढ़ने लगी थी लीवो से, उसके बिना तो मन ही नहीं लग रहा। मेरा मूड इतना ज्यादा खराब है ना, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा ना पीने का मन कर रहा। अभी मैं आपको वो वाली फीमेल भी दिखाऊंगा जिसको वो लेने आए थे ना, वो वाली फीमेल भी नीचे ही है, अभी गई नहीं है कैनल पे। लीवो के बिना घर सोना सोना भी लग रहा है। मैं सोना घर को छोड़ने का हूँ नहीं, दोबारा से कैनल पर जाऊंगा और फिर से एक नया डॉग लेकर आऊंगा। उससे पहले नीचे चलते हैं और आपको मैं उस फीमेल से मिलाना चाहता हूँ जिसकी वजह से लीवो का शिकार हो गया भाई रात। तो देख लो भाई, ये जो मुंह फाड़ रही है ना, यही वो फीमेल है और ये अपना लीवो का भाई है। तेरे भाई का पता है क्या हुआ, तेरे भाई को हमने बेच खाया यार। अब वो पंजाब चला गया, तू लखनऊ चला जाएगा, तू कैनल पर चली जाएगी। वैसे एक बात बता दूं, इस बिचारी के पैर में चोट लग गई है, पता नहीं कैसे खेलते कूदते वक्त पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं ये, और इनके चोट लग जाती है, होश में तो रहते हैं नहीं। और देखो भाई मुंह कैसे चला रही है, गुस्सा तो इस पे इतना आ रहा है कि तेरी वजह से लीवो चला गया, लेकिन इस बिचारी की कोई गलती नहीं है यार इसमें। ये तो बिचारी खुद ही जाने वाली थी पंजाब, लेकिन आज ये हमारे बीच है तो कोई बात नहीं। नीचे बैठ जा, आराम से बैठ जा। देख रहे हो गाइस, ये है लीवो का भाई। तू दास है क्या साले, तुझे तो पता भी नहीं होगा। तो यही वो फीमेल है, मतलब वो जो आए थे ना वो इसी की वजह से आए थे। इसकी फोटोज और वीडियोस पापा ने उन्हें सेंड करी होंगी और इसके बाद ये उन लोगों को पसंद आ गई, वो लोग यहाँ पर खींचे चले आए। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, इसकी जगह लीवो को ले गए। ये भगोना देख रहे हो, इस भगोने को देख के भी यार मुझे लीवो की याद आ रही है, क्योंकि यहाँ हमने बॉल छुपाई थी और उस बेचारे ने ढूंढ निकाली थी वो बॉल बिना किसी ट्रेनिंग के। कमाल की बात है या नहीं है। इस टोकरे को देख भी मुझे उसकी याद आ रही है और इस अंगीठी को देख भी मुझे उसकी याद आ रही है, तो मैं तो यार उसकी यादों ने मार लिया। वैसे ये भी आज या कल में निकल जाएगा लखनऊ के लिए, राजा भैया के पास जाने वाला है, और ये फिलहाल कैनल पर जाएगी। इसके लिए अभी कोई नया घर मिला नहीं है, जैसे ही नया घर मिल जाएगा वैसे ये भी पता नहीं कहाँ जाएगी, पंजाब, अमृतसर, लखनऊ, गुजरात, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ जाएगी। लीवो के जाने का दुख सभी को है, पापा जी को भी है, मम्मी को भी है, और भाई साहब ये जो पीछे है ना, ये मेरी जीजा ही है, उसके जाने का इन्हें तक दुख है। लेकिन एक शख्स ऐसा है हमारे बीच, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो कितनी बदतमीज है, हंस रही है भाई, देख रहे हो। भाई लीवो इतना प्यारा था ना, उसके जाने का भी इसे दुख नहीं हो रहा, तो भाई कैसी इंसान है शिल्पा तू? गाइस मैं बता नहीं सकती मेरे दिल पे क्या बीत रही है। तू एक नंबर की कट्टर इंसान है, तेरे दिल पे क्या बीत रही है, तेरी हंसी से पता लग रहा है मुझे। ठीक है, मुझे तेरी बात पे हंसी आ रही है। लीवो के जाने का मुझे जितना दर्द है उतना किसी को दर्द नहीं। अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, हंसी से दिख रहा है। हंसा तो भी रहा था तो खुश है। मैं तो अपनी आवाज काट दूंगा।
अभी अभी बहुत ही खतरनाक सीन हुआ है हमारे घर पर। एक मशीन आई थी भाई, देखो सैंडविच बनाने की, ये देख रहे हो, ये बना रही थी सैंडविच। सैंडविच का एक बार वो दिखाना, सैंडविच इतना खूबसूरत बनाया इन्होंने। ये सैंडविच तैयार करा शिल्पा ने बना के, और अब ऐसे छुटाना पड़ रहा है भाई। तो फिलहाल तो ऑर्डर्स आ चुके हैं, इस ब्राउन वाली फीमेल को वापस से कैनल पर छोड़कर आना पड़ेगा। अरे रुक जा भाई, रुक जा, तुझे भी जाना क्या कैनल पे? कैनल पे जाएगा, कैनल पे नहीं जा सकता तो ठीक है। तो भाई ब्राउन वाली फीमेल नीचे आ चुकी है, सीट पर चढ़ने की कोशिश मत करियो। एक तो भाई डोबरमैन की है कि इतनी जो लंबी इनकी नाक होती है ना, आधे से ज्यादा जगह तो भाई यही घेर लेती है। ऐसे बैठ जा बस, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई वैसे? आप इतनी मेहनत करी है और अब वापस कैनल पे जाना पड़ रहा है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। मतलब जैसे कैनल से घर पर आई हो और घर से वापस कैनल पर जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा बुरा तो लग रहा होगा ना? हाँ थोड़ा बहुत तो लगता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है ना, डॉग्स की लाइफ है। चलो जैसा भी है, आपका मन आप जाने। हाँ बिल्कुल, मेरा मन है ना तो मुझे चलाने दो, तुम ज्यादा उंगली मत करो। चलिए ठीक है, हम गाड़ी चला लेते हैं फिलहाल। एक बार ढंग देखो इसके बैठने का ढंग। अभी अभी पापा जी की कॉल आई है, उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया एकदम से और उन्हें बहुत जल्दी गाड़ी चाहिए, तो कैनल तक जाने में और आने में काफी टाइम लग जाएगा। और अभी मैं घर से ज्यादा दूर भी नहीं गया था, इसीलिए बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा। बैठ जा, देखो कैसे बैठी है, आधी नीचे आधी सीट पर। एक भैया जी का कमेंट आया था कि इंग्लिश में ब्लॉग बनाया करो, तो मैं बिल्कुल यार देखो फ्लुएंटली इंग्लिश तो नहीं बोल सकता, लेकिन लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश आई कैन स्पीक। मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि कोशिश करिए आप हिंदी समझ पाए। एक डेढ़ किलोमीटर के रास्ते में इसने कम से कम 10 बार अपनी जगह बदली है, कभी नीचे कभी ऊपर, और कभी आधी नीचे आधी ऊपर। अब तो फिलहाल सारी की सारी ऊपर आ गई है। अब मैं ड्राइविंग करूं या इसे नीचे या ऊपर बिठाऊं, तो इसे इसके हाल पर छोड़ देते हैं। देखो अब नीचे जाने की तलाश कर रही है। ये एक काम कर, यहां बैठ जाए। वो तो अच्छा हुआ है डॉग्स बोलते नहीं है, अगर ये बोल पाते तो आधा तो ये अपनी हरकतों से परेशान करते ही करते हैं। बोल बोल कर तो भाई ये ऐसी की तैसी कर देते मेरी। ए चाचा, फीमेल को वापस से इसके पास छोड़ दिया है। लो भाई फाइनली फाइनली लखनऊ जाने वाला है ये लखनऊ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है भाई। बैठ जा एक मिनट के लिए, शांति से बैठ जा ठीक है। भाई राजा भैया के यहाँ जा रहा है, तो राजा भैया के यहाँ हमारी इज्जत रख लियो ठीक है। भाई देखो इसके कानों की पट्टी हो रखी है, जब इसके कानों की पट्टी खुलेगी ना इसके कान बिल्कुल खड़े हुए मिलेंगे। तो अभी इसे नीचे लेकर चलते हैं। सोच रहे होंगे कि पापा ही लखनऊ लेके चले गए इसे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भाई से लखनऊ लेके जाएंगे ना, पापा उनके घर गए हैं। यार पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि ये ब्लैक कलर का जो हॉर्स है ये मुझे लाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो मैंने जो कमेंट्स पढ़े हैं ना, ऐसा लग रहा है कमेंट्स पढ़ के कि सारे के सारे हॉर्स लवर हो गए आप सबने। यस यस लिख रखा है कमेंट सेक्शन में। वो वीडियो मेरी सबसे ज्यादा कमेंट वाली वीडियो बन चुकी है, अब तो बुरे फंस गए इतने सारे लोगों ने जब यस लिख रखा है, तो शायद अब घोड़ा लाना ही पड़ेगा। वैसे आपको सारी बातें बता दी जाएंगी, लेकिन फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज द विनर मून ओवर एंड आउट।